पाठ 16, अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा ना गया हो, किसी लेख, कहानी या निबंध का वह अंश जिसको छात्र छात्राओं ने अपनी पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में न पढ़ा हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने के अभ्यास से भाषा पर पकड़ मजबूत होती है और उनमें अपठित विषय वस्तु को समझने की क्षमता बढ़ती है। अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गद्यांश को 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय उसमें आई मुख्य बातों पर पेंसिल से निशान लगा लेने चाहिए। गद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में देने चाहिए और उनमें अपने विचारों को नहीं मिलाना चाहिए। उत्तर सरल, छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। शीर्ष छोटा होना चाहिए जिसका सीधा संबंध गद्यांश के केंद्रीय भाव से हो। नीचे कुछ अपठित गद्यांश प्रश्नों के उत्तर सही दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। क: उत्तराखंड की गोद में स्थित जागेश्वर एक शांत एवं सुरम्य पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुषमा और मंदिरों के कारण सहज ही मन मोह लेता है। सर्पीले रास्तों के साथ साथ बहती कोसी नदी की जलधारा और वर्षा ऋतु में झरझर झरते झरने मन को रोमांचित कर देते हैं। जागेश्वर में छोटे बड़े 124 मंदिर हैं, परंतु प्रमुख मंदिर 2 ही माने जाते हैं। पहला वृद्ध जागेश्वर मंदिर और दूसरा तरुण जागेश्वर मंदिर। वृद्ध जागेश्वर मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। जागेश्वर कहाँ स्थित है? दिल्ली में, उत्तराखंड में, मुंबई में। जागेश्वर में छोटे बड़े कितने मंदिर हैं? 124 मंदिर, 142 मंदिर, 140 मंदिर। सहज शब्द का अर्थ है कठिन, सरल, मुसीबत। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। मनमोहक जागेश्वर, मनमोहक पहाड़, हरियाली। ख: मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ नहीं बोला। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बड़े चाव से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अपने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने ठान लिया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैंने सत्यवादी हरीश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती, हरीश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरीश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते। प्रश्न 1, लेखक के पिताजी कौन सी पुस्तक खरीद कर लाए? उत्तर, लेखक के पिताजी श्रवण की पितृभक्ति पुस्तक खरीद कर लाए। प्रश्न 2, उन दिनों तस्वीरें किस में दिखाई जाती थीं? उत्तर, उन दिनों तस्वीरें बाइस्कोप में दिखाई जाती थीं। प्रश्न 3, लेखक ने कौन सा नाटक देखा? उत्तर, लेखक ने सत्यवादी हरीश्चंद्र नाटक देखा। प्रश्न 4, चाव शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, चाव शब्द का अर्थ है रुचि। आओ पाठ दोहराएं। अपनी पाठ्य पुस्तक में न पढ़े गए पाठ के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर केवल 1-2 वाक्य में ही लिखना चाहिए।